कुछ मूलभूत आदतों के उदाहरण, आदतों के उदाहरण देखते हैं। जैसे लोक व्यवहार संबंधी आदतें हैं, कुछ सदा मुस्कुराते रहने की आदत, तारीफ करने की आदत, विनम्रता और मधुरता से बात करने की आदत, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत, वादे का पक्का होने की आदत, समय से पहले रहने की आदत, सोच समझकर बोलने की आदत, ऐसे उदाहरण है ये। बहुत सारी आदतें, छोटी 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 बहुत सारी आदतें होती है। आदत सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत, वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत, सारगर्भित बात करने की आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। तो हम देख रहे होंगे कि एक एक आदत में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ। एक भी आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, अब एक छोटी सी आदत से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। कटु वचन नहीं बोलते तो हमारे सारे काम सहज होते हैं, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारी छवि अच्छी होती है, हमारे सब कुछ बढ़िया हो जाता है। एक-एक आदत में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ। माफ करने की आदत, माफी मांगने की आदत, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, मेल जोल बढ़ाने की आदत, संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत, और किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। तो ये ऐसी कुछ उदाहरण आपके सामने दिखाए गए। आज तुम बस समझ रहे हैं विषय को। नेक्स्ट है आचरण संबंधित आदत। लोक व्यवहार और आचरण कभी कभी थोड़ी सी मिलती जुलती भी होती है। किसी अप्रिय घटना या बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की आदत, अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो एक एक आदत के बारे में बोलूंगा तो, पर आप सब इस बारे में समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी कमियों को छिपाने में ही जीवन बिता देते हैं, छिपाते हैं तो हमारा, हम कमी वाले इंसान बन जाते हैं। जब कमियों को स्वीकार करते हैं तो कमियां हमारी दूर होती है, कमियां दूर होती है तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। ऐसे ही बदलाव की आदत, सादगी से जीने की आदत, व्यर्थ की बातों से बचने की आदत, आलस्य से दूर रहने की आदत, अनुशासित जीवन जीने की आदत, कर्जा नहीं लेने की आदत, सही सलाह देने की आदत, बचत करने की आदत, अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने की आदत, सोशल मीडिया का सदुपयोग करने की आदत, कथनी और करनी को एक रखने की आदत, मदद करने की आदत, आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत, अपेक्षा नहीं करने की आदत, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की आदत, पर्यावरण को बचाने की आदत, जल्दी सोने व जल्दी उठने की आदत, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत, आवश्यक सेवाएं देने की आदत। ये थी हमारे लोक व्यवहार संबंधित कुछ आदतों के उदाहरण, कुछ आचरण संबंधित आदतों के उदाहरण थे। एक एक आदत में पूरी पावर छिपी हुई है। ये फिर कार्य कुशलता है, हमारी कैपेसिटी, जो काम करने की क्षमता हो कैसे अच्छी हो, उससे संबंधित आदतें हैं। संघर्ष में मजा लेने की आदत, अपने काम से प्यार करने की आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत, सीखते रहने की आदत, शिकायत नहीं समाधान पर बात करने की आदत, असफलताओं से सीखने की आदत, काम को पूरा करने की आदत, बीच में नहीं छोड़ना, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत, स्वयं राह खोजने की आदत, सिखाने वाले की तरह सीखने की आदत, समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत, थोड़े में ज्यादा परिणाम लाने की आदत,
कठिन काम को करने की आदत, दरिया संकोच नहीं करने की आदत, निर्णय लेने की आदत, निरंतरता की आदत, काम को उत्साह से करने की आदत, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ने की आदत, बेहतर तैयारी करने की आदत, समय सारणी बनाने की आदत, अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत, इस सारे में बात को समझने की आदत, बड़ा सोचने की आदत, हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत, शुरुआत करने की आदत, लक्ष्य से ज्यादा तैयारी करने की आदत, रचनात्मकता की आदत, संगठित रहने की आदत। ये कुछ उदाहरण जो है हमारी कार्यकुशलता के। सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। ये फिर है हमारी भाव संबंधित आदत, जो हमारे भीतर भाव, जो ये ज्यादातर जैसे हम अवचेतन मन की बात कर सकते हैं कि अवचेतन मन की आदतें हैं जो जो हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है। अहंकार न करने की आदत, पाने से अधिक देने की आदत, कभी किसी का बुरा नहीं सोचने की आदत, हर बात में अच्छा ही देखने की आदत, क्रोध से बचने की आदत, काम वासनाओं से दूर रहने की आदत, ईर्ष्या नहीं करने की आदत, मोह न करने की आदत, लालच से बचने की आदत। ये इस तरह की कुछ भाव संबंधित आदतों के उदाहरण है कि हमारी भावनाएं जो है बाहर से तो ठीक है पर अंदर हमारी भावनाएं कैसी रहनी चाहिए, ये आदतों के कुछ उदाहरण थे। अब हम समझते हैं कुछ फैक्ट जो है, कुछ तथ्य। ये कहना गलत है कि आदतें बदलती नहीं, बिल्कुल बदल सकती है, बदलने की तैयारी हो तो, अगर हम चाहेंगे तो हो सकता है। हम लापरवाही से या आसान तरीके से कुछ सोचेंगे तो वो अलग बात है, पर और आपने थोड़ा सा जो लिस्ट हम देख रहे थे तो गौर किया होगा, तो एक बहुत ही जब इन आदतों को हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर एहसास होता है कि अगर ये सारी आदतें हो जाए तो कितना मजा आया है जीवन। तो मजा लिया जा सकता है, मजा हमसे दूर नहीं है, केवल हमारा पुरुषार्थ की जरूरत है, हम उस विषय पे इंटरेस्ट लें तो सब कुछ हो सकता है। कुछ मूलभूत आदतें होती है जिन्हें बदल लेंगे तो बाकी की आदतें बदलना सहज हो जाएगा। कुछ बेसिक आदत होती है जैसे कि अनुशासन है, हर चीज में अच्छा ही देखना, देने का भाव, लाभ से पहले सुख की तमन्ना रखना, अपनी कमियों को खोजना, इस टाइप की कुछ जो बेसिक आदत है ये जरूर हमें सबसे पहले पालन करना चाहिए। जैसे अनुशासन आ गया तो उसके साथ दूसरी बहुत सारी चीजें अपने आप हमारे ठीक हो जाएगी, काम को लिख कर करना, काम को पूरा करना, संघर्ष में मजा लेना, टाइम पर आना, तो ये सारी चीजें क्या है, एक चीज से दूसरी चीजें अपने आप। तो कुछ बेसिक आदत जैसे हर चीज में अच्छा ही देखना है, सब कुछ अच्छा अच्छे भाव से सब कुछ देखेंगे तो हमें न गुस्सा आएगा न कुछ लालच आएगा, सब हम कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। देने का भाव होगा तो हम हमारा बहुत बढ़िया व्यवहार रहेगा सबसे, हम नफरत करेंगे, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, हम किसी का कुछ बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे लाभ से पहले सुख की तमन्ना रखना तो हम इससे हमारे जीवन में मूल्य बने रहेंगे। ये इसी तरह से अपनी कमियों को खोजना, तो हम अपनी कमियों को छिपाने में दिमाग में लगाएंगे बल्कि उसको सूक्ष्म कमियों को, तो ये कुछ बेसिक आदतें तो शुरुआत हमें इसे करनी ही चाहिए ताकि बाकी की आदतें बदलने में हमको सुविधा रहे। अलग अलग आदतों को बदलने में अलग अलग समय लग सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे साथी क्या है कि कुछ फॉर्मूले पे या
बहुत सारी हम बातें सुनते रहते हैं कि 21 दिन में बदल जाती है, 42 दिन में बदल जाती है, ये सारी बातें हम कह देते हैं, पर हकीकत ये है कि अलग अलग आदतों को बदलने में अलग अलग समय लग सकता है। कुछ आदतें 5-7 दिन में भी बदल सकती है, कुछ महीने में नहीं बदले और कुछ 6 महीने में भी नहीं बदलती, कोई साल भर में भी नहीं बदलती, पर बदलती है। तो ये एक जब हम अपना अनुभव लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा आदतों का बदलने का समय, आदतों का चुनाव, इच्छा शक्ति, निरंतर अभ्यास, ये सब इंसान स्वयं के हाथ में। कौन सी आदतें हम बदलने पे कार्य कर रहे हैं ये खुद का निर्णय है, कितना समय लगेगा वह भी खुद के ऊपर निर्भर करता है, काफी अभ्यास के, कैसा अभ्यास कर रहे हैं, कितनी इच्छा शक्ति है, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब इंसान के स्वयं के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। और पांचवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदतों को बदलने में ज्ञान की भूमिका 1% है, अभ्यास की भूमिका 99% है। आदतों के बारे में जान लें कि संबंध अच्छे रखने चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसको जानने से कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, अभ्यास की ही भूमिका है। और तो अभ्यास निरंतर अभ्यास होता है, जैसे हम खेलते हैं या किसी और चीज का प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आदतों को बदलने का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आदतें हमारे श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होने का कारण है, इसलिए आदतों को बदले बिना श्रेष्ठ की कल्पना व्यर्थ है। अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और आदतों को बदले बिना बनने की कल्पना कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं, असंभव। इसलिए आदतों को बदलने का इससे बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये मुख्य जो मैंने विचार ये रखा है आपके समक्ष,